और ये प्राइस देख के चीज वापस रख दी कोमल ने। हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी में होने वाली है, तो अगर आपको हिंदी नहीं आती या मेरा इंग्लिश समझ में आता है तो उस बात के लिए सॉरी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि न्यूजीलैंड में जो रहने का एक्सपेंस है वो कितना होता है। तो आप इस तरफ देख सकते हो, ये मेरा मंथली एक्सपेंस है डॉलर्स में, मेरी मंथली सैलरी और मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर देख सकते हो। और ये बस एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट रेटिंग नहीं है ये, पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि न्यूजीलैंड में लाइक कितना एक्सपेंसिव है रहना और कितना चीप है रहना। दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड में चीज़ें इसलिए महंगी है क्योंकि यहाँ पर की जो कंपनीज होती है वो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड नहीं करती, बल्कि यहाँ पर जो स्टोर्स होते हैं या जो दुकान होती है वो लोग उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो अगर आप तीन स्टोर्स में जाओगे तो एक ही प्रोडक्ट की आपको तीन अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगी और वो तीनों महंगी ही होगी ज़्यादातर। तो अब मैं आपको मॉल में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है और खाने पीने की प्राइस क्या होती है, तो उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो कितना है ऑकलैंड में। सी यू, चलो। तो यहाँ पर वेयरहाउस में सब कुछ सबसे सस्ता मिलता है, तो मैं यहाँ पर आपको इसकी प्राइसिंग दिखाऊंगा चीज़ों की, सो जस्ट वॉच। अब मैं आपको यहाँ पर खाने की प्राइसिंग दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पर अगर आपको कुछ अच्छा खाना है जिससे आपका पेट भर सकता है तो आपको करीबन $10 खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है तो आपको $5 कम से कम यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। एक्चुअली इट्स एक्सपेंसिव देन इट शुड बी बिकॉज $5 इज़ टू मच फॉर फूड हियर। So hope you guys enjoy this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।